तो दोस्तों हम आज बात करेंगे मारुति के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसे आप सभी लोग जानते हैं, साथ ही यह व्हीकल कमर्शियल काम में भी आता है, क्योंकि हम आज बात करेंगे मारुति सुजुकी इको के बारे में। अगर देखा जाए तो यह गाड़ी 7 सीटर के अंदर अवेलेबल है, साथ अगर माना जाए तो यह एम्बुलेंस के भी बहुत ज्यादा काम में आती है। साथ अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस और ई कॉमर्स जैसे कि छोटा मोटा माल ढोने के लिए गाड़ी बेहतरीन मानी जाती है, साथ ही छोटे मोटे व्यापारी के लिए गाड़ी वरदान के तौर पर साबित हुई है। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे मारुति सुजुकी इको 7 सीटर के बारे में। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे इको के 7 सीटर एसटीडी मॉडल के बारे में। साथ अगर गाड़ी की प्राइस रेंज की बात की जाए तो सबसे सस्ती 7 सीटर कार मानी जा सकती है, क्योंकि यह मात्र 5,42,000 रुपए में कंपनी के द्वारा अवेलेबल करा रखी है। तो दोस्तों अब गाड़ी को जितने भी फंक्शन फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर गाड़ी के इंजन के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को 1197 सीसी का 4 सिलेंडर एनलाइन इंजन देखने को मिलता है। साथ ही अगर इंजन टाइप की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। अगर मैक्सिमम पावर की बात की जाए गाड़ी की, तो इस वाले वेरिएंट का मैक्सिमम पावर 80 BHP 6,000 RPM। साथ ही अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो 104.4 न्यूटन मीटर 3,000 RPM प्रोड्यूस करती है। साथ ही अगर गाड़ी के माइलेज की बात की जाए दोस्तों, तो इस वाले वेरिएंट का माइलेज लगभग 20.2 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से कंपनी क्लेम करती है। यह गाड़ी रिवर्स व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। देखिए दोस्तों आप लोगों को 5,42,000 रुपए में रिवर्स व्हील ड्राइव ऑप्शन वाली गाड़ी देखने को मिलती है। अगर गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशन सिस्टम के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है कंपनी के द्वारा। अगर गाड़ी की लेंथ की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट की लेंथ लगभग 3675 mm, विड्थ लगभग 1475 mm। साथ ही अगर हाइट की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट की हाइट लगभग 1825 mm दी गई है। अगर व्हील बेस की बात की जाए तो व्हील बेस इसमें 2350 mm का देखने को मिलता है। साथ ही अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 160 mm दिया गया है। साथ ही अगर गाड़ी के कर्व वेट की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट का कर्व वेट टोटल 940 किलोग्राम कंपनी के द्वारा रखा गया है। अगर गाड़ी की कैपेसिटी की बात की जाए तो यह गाड़ी 5 डोर्स के साथ आती है। साथ ही अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यह गाड़ी एक 7 सीटर कार है। अगर सीटिंग रो की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को टोटल 3 सीटिंग रो देखने को मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी का टायर प्रोफाइल की। इस वाले वेरिएंट का टायर प्रोफाइल है 155/65R13, जो कि अच्छी खासी साइज दे रखी है कंपनी के द्वारा। अगर गाड़ी के अंदर सेफ्टी सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को 2 एयरबैग देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर गाड़ी 80 की स्पीड पर रहेगी तो एक बार अलर्ट करेगी, 120 की स्पीड पर रहेगी तो कंटिन्यूस अलर्ट करेगी। साथ ही अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर सेफ्टी सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को सीट बेल्ट वार्निंग भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले वेरिएंट के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम में ABS, EBD दोनों प्रकार के ब्रेक सिस्टम देखने को मिलते हैं। अगर गाड़ी के अंदर लॉक एंड सिक्योरिटी सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को इंजन एम्बुलाइजर चाइल्ड सेफ्टी लॉक देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह देखा जाए तो STD मॉडल एक बेस्ट मॉडल है। साथ ही अगर इसके अंदर ज्यादा फीचर्स की अपन डिमांड नहीं करें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यह गाड़ी एक कॉमर्शियल कार है। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोग कंफर्टर कन्वेंस की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर AC देखने को नहीं मिलता है। साथ ही केबिन बूट एक्सिस देखने को मिलता है। साथ ही रियर पार्किंग सेंसर, जो कि आजकल कंपनी के द्वारा और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी कर दिए हैं, इसलिए इसके अंदर 4 रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। 12 वोल्ट का एक आउटपुट सॉकेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के सीट एडजस्टमेंट के बारे में। अगर सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए तो ड्राइवर सीट 4-way मैनुअल एडजस्टेबल दे रखी है। साथ ही फ्रंट पैसेंजर सीट 2-way मैनुअल एडजस्टेबल दे रखी है। साथ ही सीटों के अंदर आप लोगों को फैब्रिक का यूज में देखने को मिलेगा। अगर रियर पैसेंजर सीट्स की बात की जाए तो वह भी बेंच टाइप है। अगर थर्ड रो सीट्स की बात की जाए तो वह भी बेंच टाइप है। साथ ही अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर कंपनी के द्वारा डुअल टोन में दिया गया है, जो कि है ब्लैक बीच कलर का। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के डोर्स के बारे में। अगर गाड़ी के डोर्स की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के 4 डोरों के अंदर आप लोगों को जो पावर विंडो है वो मैनुअल एडजस्टेबल देखने को मिलती है। साथ ही अगर ORM की बात की जाए तो ORM आप लोगों को ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं। साथ ही एक्सटर्नल एडजस्टेबल प्रकार के देखने को मिलते हैं। अगर बूट लेट की बात की जाए तो इंटरनली विथ की प्रकार का देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं लाइटिंग सिस्टम के बारे में। अगर लाइटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को हेडलैम्प हेलोजन प्रकार के देखने को मिलते हैं। साथ ही टेल लाइट भी हेलोजन प्रकार की देखने को मिलती है। केबिन के अंदर आप लोगों को फ्रंट एंड रियर दोनों साइड बल्ब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग डिजिटल प्रकार का देखने को मिलता है, जो कि ट्रिप मीटर इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप्स के साथ काम करता है। जो यह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लो फ्यूल वार्निंग को इंटीग्रेट करता है। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर म्यूजिक सिस्टम की बात की जाए तो यह बेस्ट वेरिएंट होने के कारण इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों को म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। साथ ही अगर बात की जाए जैसे कि लॉन्ग टूर के लिए, लंबी गाड़ियों के जैसे कि सवारी सीटिंग के लिए, और अगर देखा जाए तो यह अधिकतर कॉमर्शियल काम में आती है। अगर देखा जाए तो अधिकतर लोग इस वाले वेरिएंट को लेकर लोग बाग इसको एम्बुलेंस के तौर में काम में लेते हैं।
तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी के द्वारा इस गाड़ी का माइलेज भी बहुत अच्छा रखा गया है, और साथ ही अगर प्राइस रेंज देखी जाए तो एक कम रेट के अंदर आप लोगों को 7 सीटर कार देखने को मिलती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो, आई होप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।